एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम कनॉट प्लेस के अंदर। अनुसूचित जाति संघ का एक संगठन है एलआईसी बिल्डिंग के अंदर। हमारे बीच में एक ऐसे ही अधिकारी हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आए दिन एक समाज को बिखराने वाली बात और आए इस तरीके की टिप्पणियां आती हैं समाज को गुमराह करने के लिए और समाज पर अटैक करती हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई। जो अभी सोशल मीडिया के अंदर एक शरद श्रीवास्तव जी ने एक बहुत बड़े पैमाने पे एक वो कहावत कही थी कि पहले जब तुलसीदास जी ने कहा था कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हमारे बीच में एक अधिकारी हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की और इनकी क्या मनीक्षा थी, क्या मंशा थी कि जो इस तरीके ये शब्द बोले हैं। आपका नाम? मैं राजेंद्र प्रसाद, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस। शरद श्रीवास्तव जी ने जो भी शब्द कहे हैं वो बिल्कुल जो बिल्कुल निंदनीय हैं। जो तुलसीदास जी के जो बहुत पुराने समय में जो चीज़ें आज की डेट में कोई मायने नहीं रखती हैं, इस तरह के जो शब्द कहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, तो इस तरह की जो चीज़ें आज कोई समाज में मायने नहीं रखती हैं। और इसकी हमारा संगठन बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता है और एक कार्रवाई की मांग करता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे परिसंघ ने सारे संगठनों को एससी एसटी आयोग, एससी एसटी आयोग, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और जितने भी संगठन हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं और जो इन पर कार्रवाई की मांग करते हुए ये सब हमने किया है। और इसको हम मजबूती से एम्फसाइज करेंगे कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर फिर कार्रवाई नहीं होनी तो फिर बैठ करके कुछ आगे का जो निर्णय होगा फिर हम बैठ करके डिसाइड करेंगे, तब आप लोगों को बता पाएंगे। सर, ये जो केस था और ये जो मैटर था, तो आपने कहा कि हमने इन जो संबंधित अधिकारी हैं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्ट्री को और या महिला आयोग को दिया है। सर, इसको दिए हुए कितने दिन हो गए और ये कब तक इस पर कार्रवाई होने की संभावना है? अभी देख रहे हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र में आप लोगों को पता है जब कंसर्न डिपार्टमेंट को जब लेटर जाता है तो समय लगता है। अभी हम एक महीने के आसपास इसको थोड़ा सा परस्यू करेंगे और उसके बाद दोबारा से एक महीने के बाद इसमें बैठेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। सर, अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है कि भाई किसी को इस तरीके अब शब्द नहीं कहे जाएंगे और इतना एक पढ़ा लिखा अधिकारी और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके की बात बोल रहा है, तो उसकी मनीक्षा क्या है, मानसिक स्थिति क्या है? मैं तो यही कह सकता हूँ, जो पहले समय से जो मानसिकता थी उनकी मानसिकता बदली नहीं है। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है वो सीधे सीधे एट्रोसिटी के दायरे में आती है और एट्रोसिटी उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।